कोरोना वायरस महामारी के चलते अक्षय कुमार सहित कई बड़ी स्टार की फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। इसमें अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब भी शामिल है। रूमर्स आ रहे थे कि इस कतार में अक्षय कुमार की सूर्यवंशी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, पर अब सिनेमा घर के मालिकों के लिए राहत की खबर आई है। अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी और रणवीर सिंह स्टारर 83 के मेकर्स ने फैसला लिया है कि वे अपनी फिल्म सिनेमा घरों में ही रिलीज करेंगे। इसके लिए रिलीज का दिन भी तय हो गया है। फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी को दिवाली पर रिलीज करने का फैसला लिया है। ऐसे में कल शाम एक खबर तेजी से वायरल हुई कि फिल्म सूर्यवंशी के हीरो अक्षय कुमार और फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी ने एक को प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्म में लगाए गए करण जौहर के पैसे को लौटा दिया है और फिल्म से उनका नाम हटा दिया गया है। चर्चा थी कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि करण जौहर के खिलाफ लोगों की भावनाओं के चलते सूर्यवंशी की बॉक्स ऑफिस पर किसी तरह का बुरा असर न पड़े। लेकिन एबीपी न्यूज की खबर के अकॉर्डिंग सूर्यवंशी की टीम ने इस खबर को पूरी तरह से निराधार और गलत बताया है और कहा है कि इस तरह की खबर में कोई दम नहीं है। सूर्यवंशी की एक और निर्माता कंपनी रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस खबर को कोरी अफवाह ठहराया है। सूर्यवंशी को रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, करण जौहर और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने साझा तौर पर प्रोड्यूस किया है, जिसे अब दिवाली के मौके पर रिलीज करने की योजना बनाई गई है। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर सूर्यवंशी 24 मार्च को देश भर में रिलीज की जानी थी, मगर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण सिनेमाघर बंद हो गए और इसी वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। आयोनेक्स और पीवीआर की तरफ से ऐलान किया गया है कि सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी और रणवीर सिंह की फिल्म 83 की रिलीज डेट आगे बढ़ाई गई है। फिल्म अब इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म 83 में रणवीर सिंह इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव की भूमिका में नजर आएंगे। इसमें दीपिका पादुकोण कपिल देव की पत्नी रोमी देवी का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगी। ये फिल्म साल 1983 में भारत के ऐतिहासिक क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत की कहानी है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, साकिब सलीम, ताहिर राज भासिन, हार्डी संधू, अमीर और आदित्यनाथ कोठारे भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। तो वहीं रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में मुंबई पर घातक हमले की योजना बना रहे आतंकवादियों की तलाश में अक्षय को एटीएस ऑफिसर वीर सूर्यवंशी के रूप में देखा जाएगा। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा की भूमिकाओं में अपनी भूमिका को फिर से दोहराएंगे ताकि अक्षय आतंकी साजिश का भंडाफोड़ कर सके। अभिनेत्री कैटरीना कैफ को वीर सूर्यवंशी के पत्नी के रूप में देखा जाएगा, जबकि जैकी श्रॉफ विलेन की भूमिका में है। सूर्यवंशी में गुलशन ग्रोवर, अभिमन्यू सिंह, निहारिका रायजादा, सिकंदर खेर और निकितन धीर भी हैं। नई फिल्मों की रिलीज अपडेट्स, न्यूज और ट्रेलर्स के लिए आप हमारे चैनल ओटीजे मीडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।